सारी की सारी भीड़ अब मेरे साथ है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। आज ना तो अष्टमी है, और हर अष्टमी को ना कोई मेरे घर से कुलदेवी को नारियल चढ़ाने जाता ही है। तो भाई ही जाता है, लेकिन कभी कभी बड़े भैया भी चले जाते हैं। तो अभी वो जा रहा है, तो उसके साथ मैं भी जाऊंगा और मैं शूट भी करूंगा वहाँ। और किसके साथ जा रहा हूँ? तो उसके साथ जा रहा हूँ, बड़ा भाई। हम ना तो कुलदेवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आज अंदर का सीन देखो, दीदी अभी बना रही है खाना, और इतना टाइम हमारे पास नहीं रहेगा क्योंकि हमको अभी से निकलना है। और देखो ये हंस रहे हैं, हंसते हैं मुझ पर क्या। इसलिए मैं यहाँ ज़्यादातर शूट नहीं करता बाहर, क्योंकि पब्लिक भी बहुत ज़्यादा हंसती है। देखो अभी भी हंस रहे हैं, ये ढोंगे। तो गाइस अभी इतना टाइम तो हमारे पास नहीं रहेगा कि खाना खाएं, उससे पहले हमको जाना है क्योंकि बहुत जल्दी वापस भी आना है। और अब ना तो ऐसे ही रास्ते मिलेंगे क्या? हर जगह ये कच्चे रास्ते ही मिलेंगे, इन्हीं से हमें जाना पड़ेगा वहाँ। बहुत ज़्यादा दूर है वैसे तो, लेकिन इन्हीं रास्तों से जाना पड़ेगा। किसी गांव का नाम खेड़ा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता हमें पक्का मिलेगा, लेकिन उसके बाद वापस से कच्चा हो जाएगा। यहाँ का सबसे बड़ा तालाब है, जो कि अभी भरा हुआ नहीं ज़्यादा ही भरा हुआ है उस हिसाब से। तो जैसे कि मैंने बोला था कि कच्चा रास्ता आएगा, और ये कच्चा रास्ता आ गया, और इसके बाद फिर से पक्का रास्ता आएगा यहाँ की DPA इलेक्ट्रिसिटी के लिए। एंड फाइनली गाइस रोड आ चुका है पक्का, और अब यहाँ से अच्छे से जा सकते हैं हम। अभी तो ट्रैक्टर है हमारे सामने बिल्कुल, और मैंने कर लिया है उसको ओवरटेक। ना तो भाई रास्ता भूल गया था, लेकिन जैसे तैसे लोगों से पूछ पूछ के हम मंदिर तक तो आ गए, और अब मंदिर के अंदर एंटर हो रहा हूँ मैं। और ये देखो सुमित को भी ले गया हूँ, इसका कल नाम नहीं बताया था ना। ये मेरे बड़े सबसे बड़े, जो हमारे परिवार में सबसे बड़ा भाई है ना, उसका लड़का है सुमित रावल, और मुझे अंकल ही बोलता है। ये तो बाहर से तो कुछ ऐसा सीन है यहाँ मंदिर का, बहुत ज़्यादा बड़ा गेट भी लगाया हुआ है, और अंदर शायद माता भी रखी है, तो उनके भी दर्शन आज होंगे। सब मैं अंदर लेके जाता हूँ आपको। ये है मंदिर कुछ ऐसा, यहाँ पर माता रखी हो तो देखो DJ वगैरह भी सब सेट किया, और यहाँ पर रात रुकने के लिए भी जगह है, सब रजाई गद्दे सब यहाँ पर होते हैं। और ये माता रखी हुई है दुर्गा माता, ये स्थापना की हुई है अभी, और एक परमानेंट है जो हमारी कुल देवी है वो अंदर है। तो पहले यहाँ का मैं थोड़ा सा बैक कैमरे से आपको दिखा देता हूँ। और गाइस ये माता गांव वालों ने रखी, और ये भाई अंदर पूजा करना शुरू कर दिया है, अभी नारियल आया है। और अभी सब कुछ हो ही गया, अभी चुनरी रख रहे हैं। तो ये ना तो हमारी कुल देवी का मंदिर है, जो कि मैं अंदर आ चुका हूँ। एक बाहर भी माता रखी है, वो दुर्गा माता है, जो कि गाँव वालों ने रखी है। और ये हमारी मेन कुल देवी चामुंडा देवी, और इनके भी दर्शन हमने लगभग कर ही लिए हैं, मैंने भी कर ही लिए हैं। और एक नारियल पूरा का पूरा रख दिया है, और एक फोड़े के तो बाहर फोड़ रहे हैं, वो भी दिखाता हूँ आपको। तो ना अभी फोड़ने की तैयारी कर रहा है, देखो मेरे यहाँ खड़ा होकर देख रहा है। दो टुकड़े कर लें और दोनों भिड़े हैं, देखो एक पत्थर नहीं उठा के लाएंगे। अरे वो बूटा आई गए खोपरा चढ़ाने के लिए, नारियल चढ़ाने के लिए, और चढ़ा दिया है, और अपना काम लगभग हो ही गया है, तो हम अब यहाँ से निकलेंगे। हमारा काम लगभग हो ही गया है, तो देखो
हम निकल रहे हैं तीनों के तीनों, भाई आया था हमें। अरे देखो खोपरा बता रहा, तो आप भी कर लो। ये गाइस और हम एक और नई जगह है जहाँ के भाई ने हमें बताया था कि वहाँ भी तुम शूट कर सकते हो। तो एक और मंदिर है जहाँ पर हम आए, और इसका और देखो यहाँ पर बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। बगीचे राखी के दिन मेला लगता है यहाँ, और यहाँ राखी के दिन मेला भी लगता है, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ, तब तो भीड़ इतनी होती है कि यहाँ चल भी नहीं पाते। और अभी तो है डीजे वगैरह चल रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पर भी माता रखी होगी शायद। हाँ वहाँ पर रखी है सामने, वो जो दिख रहा है ना वहाँ पर रखी है। और अभी तो हम पैदल ही जा रहे हैं। और यहाँ का एंटर, यहाँ से एंटर होते हैं। और यहाँ एक यहाँ का सीन कुछ ऐसा है, यहाँ पर गेहूँ वगैरह सुधार रहे थे, भंडारा वंडारा ठीक है सब। और ये है मंदिर, ये पीछे मेरे जस्ट पीछे। और यहाँ के भी दर्शन करके हम यहाँ से भी निकलेंगे और थोड़ा सा घूमेंगे भी। यहाँ गार्डन टाइप है, बहुत अच्छा लगता है। और गाइस जो पीछे बने हैं ना, ये कुछ समाधि वगैरह है क्या, तो जो पुराने बाबा रहते हैं कि नहीं, वो समाधि लेते थे, तो जिनके जिनके पैरों के निशान अभी भी यहाँ पर हैं, मतलब कि बनाए, मतलब कि लोगों ने बना के रखे बस कुछ ऐसा इस तरह से पैरों के निशान। यहाँ पर बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, देखो बहुत सारी समाधियाँ बनी हुई हैं। उधर भी है थोड़ी बहुत, और बस बाकी इधर माता रखी हुई है, देखो यहाँ झांकी बनाई गई है। सारी की सारी भीड़ आप मेरे साथ है। और ये बोंदू बाबा का मंदिर है जो कि नागजीरी में, आप कभी भी आओ तो यहाँ पर जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पर गार्डन वगैरह सब है घूमने के लिए, बैठने के लिए आप सब बहुत अच्छे से रह भी सकते हो। और एक मंदिर छोड़ गया जो कि मैंने आपको बताया नहीं, तो मैं वहाँ पर भी ले चलता हूँ। और भाई जो आखिर मंदिर रह गया था उसका एंट्री पॉइंट है, और यहाँ भी हम अंदर आ चुके हैं। देखो सुमित मेरे बच्चे भी मेरे साथ ही हैं, बहुत देर से साथ हैं। और ये मेन समाधि है जो बाबा थे कि नहीं बोंद्रू बाबा, उनकी मेन समाधि है। बोंद्रू बाबा जो थे कि नहीं मेन, उनकी समाधि है। तो यहाँ पर भी थोड़े बहुत दर्शन कर लेते हैं और फिर यहाँ से भी निकलते हैं। तो भाई सारी जगहों का हमने दर्शन कर लिया, और थोड़ा बहुत शूट नहीं किया और बहुत सारा किया है। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। फाइनली हमारा सब कुछ हो चुका है, आपको आपने भी देखा कि क्या क्या हुआ। और एक बहुत ज़्यादा अच्छे इंटरेस्टिंग इंसान मिले थे जिन्होंने मुझे शूट करने के लिए बोल दिया। मैंने पहले उनसे पूछा था, वो शूट नहीं किया, लेकिन उनने बोल दिया था कि आप कर सकते हो यहाँ पर। तो मैंने बहुत सारा शूट किया है यहाँ पर। और ये देखो यहाँ एक कुछ दिखाने के लिए ले जा रहा है, वहाँ पर देख लेते हैं क्या है। और ये देखो बिल्कुल बगीचे टाइप है, आप यहाँ घूम सकते हो। और ये कुआं दिखाने के लिए लाया है, देखो सब कचरा कचरा है यार, कुएं को अच्छे से नहीं रखा गया है। नहाने में मज़ा आ जाए। हाँ नहाने में मज़ा आ जाए इसको। और ये देखो एक यहाँ पर भी आप बैठ सकते हो, मतलब कि धूप ज़्यादा आती है कि नहीं। ये गार्डन टाइप है एक, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठने आते हैं शाम को। और अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं झाड़ियों में से, कहाँ कहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ से, लेकिन निकल रहे हैं। तो बस अब हम बिल्कुल घर मिलेंगे, अगर कुछ रास्ते में और मिला तो मैं शूट ज़रूर करूँगा, लेकिन अभी तो हम डायरेक्ट घर ही जाएंगे, क्योंकि हमारा काम लगभग हो ही गया है। और बहुत सारा काम भी है जो कि घर जाके करना है, तो वो भी मैं कर ही लूँगा। तो बस मिलते हैं सीधा घर।
फाइनली हम घर पहुंच चुके और खाने के लिए भी लाया था कुछ, जो कि सबने खा ही लिया है। और अब मैं वीडियो का एंड भी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसी वीडियो की एडिटिंग करनी है और इसको अपलोड भी करना है। और मैं आज ही मैंने वीडियो शूट किया और आज ही अपलोड भी कर रहा हूँ। और सुमित मेरे साथ अभी भी, जो कि मेरे साथ जाएगा वीडियो अपलोड करने। यहाँ पर ना तो आइडिया का नेटवर्क नहीं मिलता, तो हमें बाहर जाना पड़ेगा। और जहाँ भी जाएंगे ना, वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में कि कहाँ गए थे हम वीडियो को अपलोड करने के लिए। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।